नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरें सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें। तो खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बिहार में डॉक्टरों की बंपर बहाली, 10 मई से वॉक इन इंटरव्यू के जरिए होगी नियुक्ति। बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया ऐलान। कोरोना को लेकर सरकार का अहम फैसला, विधायकों विधान पार्षदों के फंड से 2-2 करोड़ रुपए लिए गए, 600 करोड़ रुपए का हुआ बंदोबस्त। बिहार में कोरोना से 105 लोगों की मौत, 14,794 नए मरीज मिले, एक्टिव मरीजों की संख्या 1,10,000 के पार। लॉकडाउन की घोषणा होते ही बाजारों में उमड़ी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। हाईकोर्ट में कोरोना पर चल रही सुनवाई के बीच नीतीश ने किया लॉकडाउन वाला ट्वीट। नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने 6 मई की दी तारीख। लॉकडाउन में शादी ब्याह पर रोक नहीं, बिहार सरकार ने बनाया नया नियम, इन बातों का रखना होगा ख्याल। बिहार में लॉकडाउन के फैसले पर सरकार पर हमला, तेजस्वी ने कहा कि इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। पटना जिला प्रशासन का बड़ा एक्शन, ड्यूटी से गायब 3 मजिस्ट्रेट पर FIR, एम्स में थे तैनात। बिहार में एक तरफ कोरोना की वजह से जहां लाखों लोगों ने अपनी नौकरियां गंवा दी, तो वहीं अब आपदा के इस समय में कई मौके भी सामने आ रहे हैं। इसी क्रम में बिहार सरकार एक साथ 1,500 से अधिक डॉक्टरों की बहाली करने जा रही है। इनमें से 1,000 डॉक्टरों की बहाली केवल इंटरव्यू यानी साक्षात्कार के आधार पर होगी, जिसके लिए तिथि सरकार ने घोषित कर दी है। इसके लिए साक्षात्कार 10 मई को आयोजित किया जाएगा। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि राज्य में डॉक्टरों की कमी पूरी करने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। 536 ब्लॉक में संविदा पर डॉक्टरों की बहाली के फैसले के बाद अब संविदा पर 1,000 डॉक्टर नियुक्त करने की मंजूरी राज्य मंत्रिमंडल ने दे दी है। उन्होंने बताया कि सभी जिलों के सिविल सर्जन को संविदा पर डॉक्टर बहाल करने के लिए अधिकार दिए गए हैं। 10 मई को वॉक इन इंटरव्यू होगा और डॉक्टर बहाल किए जाएंगे। साथ ही साथ मंत्री ने यह भी जानकारी दी है कि अस्पतालों में पारा मेडिकल्स और लैब टेक्नीशियन तथा चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के अस्थायी नियुक्ति का अधिकार सिविल सर्जन को दिया गया है। यह नियुक्ति 3 महीने के लिए होगी। इसके अलावा सामान्य डॉक्टर के रिक्त 2,362 और विशेषज्ञ डॉक्टर के 3,706 पद पर नियुक्ति के लिए तकनीकी आयोग ने विज्ञापन निकाला है। बिहार में कोरोना के बेकाबू होते हालात के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए राज्य में 15 मई तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी जानकारी दी है। नीतीश कुमार ने इसकी जानकारी देते हुए ट्वीट किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। नीतीश कुमार ने ट्वीट कर कहा है कि कल सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ चर्चा के बाद बिहार में फिलहाल 15 मई 2021 तक लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके विस्तृत मार्ग निर्देशिका एवं अन्य गतिविधियों के संबंध में आज ही आपदा प्रबंधन समूह को कार्रवाई करने हेतु निर्देश दिया गया है। हालांकि राज्य सरकार ने अब तक ये तय नहीं किया है कि इस दौरान सूबे में क्या खुले रहेंगे और क्या बंद रहेंगे। इसके लिए सरकार के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होगी। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप सरकार के अधिकारियों के समूह है जो कोरोना को लेकर फैसले लेता है। नीतीश कुमार ने कहा है कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद ये तय होगा कि लॉकडाउन में किन चीज़ों को छूट होगी और क्या पर पाबंदी होगी। बिहार में कोरोना की भयावह स्थिति से निपटने में लगी सरकार ने विधायक और विधान पार्षद फंड से भारी कटौती कर दी है। बिहार के तमाम MLA MLC के फंड से 2-2 करोड़ रुपए ले लिए गए हैं। सरकार ने इस तरीके से 600 करोड़ रुपए से ज़्यादा जुटा लिया है। बिहार सरकार के योजना एवं विकास विभाग ने इस बाबत पत्र निकाला है। विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुभानी की ओर से जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि कोरोना महामारी की बिहार में रोकथाम और इसे संक्रमित लोगों के इलाज के बंदोबस्त के लिए सरकार ने फैसला लिया है कि विधायक विधान पार्षद फंड से पैसे लिए जाए। अब उनके फंड से 2-2 करोड़ रुपये की राशि ली जाएगी, जिसे स्वास्थ्य विभाग के कोरोना उन्मूलन कोष में जमा किया जाएगा। हम आपको बता दें कि बिहार में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के नाम पर विधायकों और विधान पार्षदों को फंड मिलता है। हर MLA या MLC को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 3 करोड़ की राशि मिलती है, जिसे उनकी अनुशंसा पर खर्च किया जाता है। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में विधायकों विधान पार्षदों की अनुशंसा पर खर्च होने वाली 3 करोड़ रुपये की राशि में से 2 करोड़ की कटौती कर ली है। अब विधायक विधान पार्षद सिर्फ 1 करोड़ रुपये ही खर्च कर पाएंगे। बिहार में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य में एक बार फिर से बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं।
मंगलवार को बिहार सरकार की ओर से जारी ताज़ा आंकड़े के मुताबिक राज्य में पिछले 24 घंटे में कुल 14,794 नए कोरोना मरीजों की पहचान की गई है, जबकि 105 लोगों ने दम तोड़ा है। राजधानी पटना के अलावा नालंदा, पश्चिमी चंपारण और वैशाली में भी स्थिति खराब होती हुई नजर आ रही है। मंगलवार को बिहार स्वास्थ्य विभाग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक सुबह में 14,794 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। राजधानी पटना में सबसे ज्यादा 2,681 नए मरीज मिले हैं। राजधानी पटना के अलावा बिहार के 6 अन्य जिलों में 500 से अधिक नए कोरोना मरीज मिले हैं। गया में 767, वैशाली में 637, नालंदा में 618, जमुई में 538, औरंगाबाद में 534, पश्चिमी चंपारण में 516 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है। बताया जा रहा है कि सुबह में पिछले 24 घंटे में 94,891 सैंपल की कोरोना जांच की गई है। कोरोना से बिगड़ते हालात के बाद बिहार सरकार ने लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया। 15 मई तक पूरे राज्य में लॉकडाउन लगाने की घोषणा की गई। लॉकडाउन की घोषणा होते ही बाजारों में अचानक भीड़ बढ़ गई। लोग घर का राशन, सब्जी और जरूरी सामानों की खरीदारी के लिए बाजार में पहुंचने लगे। इस दौरान लोगों की भीड़ ऐसी उमड़ी कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा गया। बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। बिहार के नवादा जिले की इस तस्वीर को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे, जहां लॉकडाउन की घोषणा के तुरंत बाद इस तरह की भीड़ देखी गई। बिहार में बेकाबू कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर नीतीश सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। बिहार सरकार ने राज्य में 15 मई तक कंप्लीट लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है। इन सब के बीच पटना हाईकोर्ट एक बार फिर से राज्य सरकार को फटकार लगाई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि बार बार कोर्ट के आदेश के बावजूद भी बिहार में स्थिति में सुधार नहीं है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान पटना उच्च न्यायालय ने कड़ी टिप्पणी करते हुए मौखिक रूप से कहा कि 15 अप्रैल से आदेश पर आदेश दिया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी 15 से 30 अप्रैल तक लोगों को मरना बदसूरत जारी रहा। कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार ने क्या किया है, बिहार में स्थिति सुधार नहीं होना शर्म की बात है। कोर्ट ने कहा है कि क्यों नहीं पुणे स्थिति आर्म फोर्सेज मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की मदद ले। राज्य सरकार की असफलता पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी भी जताई है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले पर अगली सुनवाई 6 मई को होगी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से जस्टिस सीएस सिंह की खंडपीठ को बताया गया कि सरकार ने बुधवार यानी 5 मई से 15 मई तक सूबे में लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है। बताया जा रहा है कि सरकार ने कोर्ट से एक आखिरी मौका मांगा है। बिहार में लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने अगले 10 दिनों का पूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया है। इसको लेकर मंगलवार को गाइडलाइन जारी कर दी गई है। किन किन क्षेत्रों में लोगों को छूट मिलेगी और किन किन चीजों पर पाबंदी होगी, विस्तार से इसकी जानकारी दी गई है। शादी विवाह और श्राद्ध कर्म के लिए सरकार ने नए नियम बनाए हैं। सरकार ने डीजे पर पूरी तरह से रोक लगा दिया है। बारात और वरमाला को लेकर भी सरकार ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। मंगलवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद ट्वीट कर लॉकडाउन लगाने की जानकारी दी। सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि कल सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ चर्चा के बाद बिहार में फिलहाल 15 मई 2021 तक लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया गया है। इससे विस्तृत मार्ग निर्देशिका एवं अन्य गतिविधियों के संबंध में आज ही आपदा प्रबंधन समूह यानी कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को कार्रवाई हेतु निर्देश दिया गया है। बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन के बावजूद भी शादी समारोह पर पाबंदी नहीं रहेगी। हालांकि इसके लिए कुछ नए नियम बनाए गए हैं। नई गाइडलाइन में कहा गया है कि शादी में सिर्फ 50 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति रहेगी। इतना ही नहीं, जिसके घर भी शादी है उसे शादी के 3 दिन पहले अपने थाने को सूचना देनी होगी। बिहार में लॉकडाउन की घोषणा के बाद अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन लगाए जाने के फैसले के बाद पहली प्रतिक्रिया नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से आई है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर आरोप लगाया है कि पीएम नरेंद्र मोदी के इशारे पर वे काम कर रहे थे, तभी 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आने के बाद सरकार ने अब बिहार में लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। आरजेडी नेता तेजस्वी ने ट्वीट करते हुए कहा कि 15 दिन से समूचा विपक्ष लॉकडाउन करने की मांग कर रहा था, लेकिन छोटे साहब अपने बड़े साहब के आदेश का पालन कर रहे थे कि 2 मई तक लॉकडाउन नहीं करना है। अब जब गांव-गांव टोला-टोला संक्रमण फैल गया है तब दिखावा कर रहे हैं। इस संकट काल में तो निम्न स्तरीय नौटंकी और राजनीति से बाहर आइए, बाज आइए,
कोरोना से बिगड़ते बिहार के हालात पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार सरकार पर हमला बोलते आ रहे हैं। बिहार में लॉकडाउन लगाने की मांग करते आ रहे थे, लेकिन उनकी बातें नहीं मानी गई। सरकार ने लॉकडाउन की जगह नाइट कर्फ्यू लगाया। तेजस्वी का कहना है कि जब राज्य में स्थिति अनकंट्रोल होने लगी, तब आनन फानन में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में 15 दिनों का लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों और मौतों के बीच प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही भी लगातार सामने आ रही है। ताजा मामला राजधानी पटना का है, जहां जिला प्रशासन ने अपने ही 3 लापरवाह पदाधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया है। पटना एम्स में तैनात 3 मजिस्ट्रेट के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। ड्यूटी से गायब रहने से नाराज वरीय अधिकारी ने इन अफसरों के खिलाफ एक्शन लिया है। पटना जिला प्रशासन ने जिन 3 दंडाधिकारी पर FIR दर्ज कराया है, उसमें फुलवारी शरीफ के PRS दिलीप कुमार और शशि कुमार के नाम शामिल हैं। इसके अलावा दुल्हन बाजार के कृषि समन्वय संजीत कुमार के खिलाफ भी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। ड्यूटी से अनुपस्थित रहने पर इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। बिहार में लॉकडाउन की घोषणा के बाद अब इस पर भी सियासत तेज हो गई है। बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन लगाए जाने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी ने आरोप लगाया है कि नरेंद्र मोदी के इशारे पर नीतीश कुमार काम कर रहे थे। यही कारण था कि 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आने के बाद सरकार ने अब बिहार में लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। ऐसे समय में इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। वहीं तेजस्वी यादव के हमले के बाद लोक जनशक्ति पार्टी ने भी सरकार को घेरने का काम किया है। लोजपा की तरफ से कहा गया है कि यदि लॉकडाउन कुछ दिन पहले लगाया जाता तो कई लोगों की जान बच सकती थी। नीतीश कुमार ने लॉकडाउन लगाने में देरी की है। लोक जनशक्ति पार्टी ने ट्वीट कर कहा है कि बिहार में हाईकोर्ट के हस्तक्षेप व प्रदेश सरकार को फटकार मिलने के बाद लॉकडाउन लगाया गया है। अगर लॉकडाउन कुछ दिन पूर्व लगाया गया होता तो कई जाने बचाई जा सकती थी। नीतीश कुमार जी ने लॉकडाउन लगाने में भी देरी की है। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।